देश की राजधानी दिल्ली में एक फार्म हाउस के केयरटेकर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप कथित गोरक्षकों पर लगा है। इस घटना में 6 लोग घायल भी हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि 10 से 15 की संख्या में लोग पहुंचे थे। उन्हें शक था कि केयरटेकर और उनके साथ मौजूद लोग गोकसी कर रहे हैं। इसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। केयरटेकर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं 6 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक द्वारका के छावला स्थित फार्म हाउस में 40 साल के राजा राम को पीटा गया। घायल अवस्था में राजा राम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना को लेकर शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित गोकसी करने के आरोप में 5 लोगों को पकड़ा गया है। दूसरी तरफ मारपीट और हत्या के जुड़े आरोप में किसी को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। मृतक राजा राम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला था। वो परिवार के साथ फार्म हाउस में 4 सालों से रह रहा था। उसके परिवार का दावा है कि गो हत्या के आरोप गलत हैं। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसके पति दूध बेचते थे। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि उन्हें 10 और 11 अप्रैल की रात को खबर मिली थी कि राजा राम समेत अन्य गोकसी कर रहे हैं। जब तक पुलिस आती कुछ लोग पहुंचे और हमला कर दिया। पुलिस ने पहुंचने के बाद बीच बचाव किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां राजा राम ने दम तोड़ दिया। घटनास्थल से 5 लोगों को पकड़ा गया है। उन पर कथित गोकसी के आरोप हैं। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।